प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान विषय के चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है उत्सर्जन, किडनी के द्वारा यूरिन का निर्माण होता है। पाइरुवेट के खंडन से CO2, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत, क्षुद्रांत में। परजीवी पोषण होता है मच्छरों में। टिड्डे में पोषण होता है होलोजोइक प्रकार का। पाचन क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? 5। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में कहाँ होती है? पत्ती में। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है यूट्रिकुलेरिया। लसी का सहायक होती है घाव भरने में। विलियम हार्वे ने कार्य किया था किस तंत्र पर? बंद परिसंचरण तंत्र पर। मेलविजियाई संबंधित है रक्त कोशिकाओं से। रक्त का थक्काकरण से संबंधित है फाइब्रिनोजन। स्तनी प्राणियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है ओ रक्त समूह। ऑक्सीश्वसन करने वाले जीव कहलाते हैं ऑक्सीजीवी जीव। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 673 किलो कैलोरी या 38 ATP ऊर्जा। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है इसे क्या कहते हैं? अवायवी श्वसन। सांस लेने व सांस छोड़ने को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। ग्रॉस हॉपर में श्वसन अंग होता है श्वसन नलिका। हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु का संवहन होता है? 4 अणुओं का। मछली के श्वसन अंग होते हैं गिल्स या गलफड़े। ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? जीव द्रव्य में। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों में गैसी विनिमय किसके द्वारा होता है? रंध्र या स्टोमेटा द्वारा। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला अंतः परजीवी जीव है एस्केरिस। मृतोपजीवी पोषण होता है कवकों में। मृतोपजीवी जीवों के उदाहरण है फफूंद, यीस्ट। छोटे या बड़े भोजन के टुकड़ों का अंतर्ग्रहण करने वाले जीव प्राणी समभोजी जीव। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। भोजन पर पित्त रस की क्रिया होती है कहाँ होती है? ग्रहणी या डियोडिनम में। पूर्ण परजीवी पौधे का नाम है अमरबेल। पर्णहरिम में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। शरीर का सबसे बड़ा अंग व पाचक ग्रंथि जो यूरिया का निर्माण करती है यकृत। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है क्वाशियोरकर एवं मरास्मस। इस प्रकार ये है जैव प्रक्रम चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न।